हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, हाय, मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी का द कॉमेडी शो में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और दोस्तों, इस हंसी के तड़का लगाने के लिए हमारे दोस्त पूरी तरह से तैयार हैं। उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको बताएं, लैला और मजनू के किस्से, लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई, लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई और मजनू ने इतने लव लेटर लिखे कि लैला पोस्टमैन के साथ भाग गई। मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे कॉमेडी के उस्ताद, मशहूर कॉमेडियन उत्तम केवट को। एक बार जोरदार तालियां हो जाती है। राजा जी, बाजा बाजी की ना बाजी, ए राजा जी, बाजा बाजी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्तम केवट, आप लोगों को स्वागत करता है अपने द कॉमेडी शो हंसी का तड़का। दोस्तों, आप लोगों में छोटी छोटी बातों पे बताऊंगा, यही कहता हूं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए और हर लफ्ज पर वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, अभी हमारे दोस्त संजय जी गए, संजय जी के लिए, ऐ दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां मैं फूल हो जाऊं, कि ऐ दोस्त जहां तुझे कांटे मिले वहां मैं फूल हो जाऊं और जहां तुझे लात मिले वहां से मैं गोल हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बार एक पति बॉम्बे से कमा के आया, कितने में पत्नी बोलती है गाने पे, पत्नी बोलती गाने पे, सुनिएगा। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, बताओ ना। पति बोलता है, अरे यार हल्ला मत कर यार। अरे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, पति गाने बोलता है, घंटा घंटी मार्केट में चड्डिया बेचा करते थे, चड्डिया बेचा करते थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बार कलम वाली बाई तैयार हो रही थी, कहीं नाना पटेकर जी बोले, ए कलम वाली चल तैयार हो, चल आज चलना है शॉपिंग करने चलना है। तो कलम वाली बाई तैयार हो रही थी, सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगाई, कलम वाली बोलती, ए नाना, ए दुनिया के नाना, नाना आज मैं कैसी लग रही हूँ जरा बताना, ए नाना आज कैसी लग रही हूँ जरा बताना। तो दोस्तों, नाना पटेकर कलम वाली पे बोलते हैं, कलम वाली भाई क्या बोलूं तेरे बारे में, तुम जो सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो, अरे कलम वाली भाई तुम जो सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी जमाना है पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स इतना बड़ा जमाना है, नेता जब नेता भाषण देते थे, आप लोग कहते भाइयों बहनों, नेता भाषण देते हैं, भाइयों बहनों हमने रोड बनवाई, गड्ढे हो गए, इसका किसका हाथ है। फिर कुछ देर बाद बोलते, भाइयों बहनों हमने स्कूलें बनवाई, पंखा नहीं लगा, इसमें किसका हाथ है। अच्छी वालों का हाथ है, नेता बोल रहे हैं, भाइयों बहनों हमने रोड बनवाई, सड़कें बनवाई, गाड़ी नहीं चल रही, इसमें किसका हाथ है। विपक्षियों वालों का हाथ है। भाइयों बहनों मेरी शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, किसका हाथ है। ऐसे नेता होते हैं। तो ये नेता साला एक नेता आदमी को हिजड़ा बना देता है
और एक नेता और एक मच्छर आदमी को कुत्ता बना देता है। मच्छर यहाँ वहां काटता है तो नेता आदमी को कुत्ता बना के यहाँ वहां घुमाता है। दोस्तों ये नेता, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि चुनाव में माहौल आने वाला है, बहुत से वादे हो गए आपके पास, नेता आएंगे वैसे वैसे नेता आएंगे जो 5 साल में कभी आपके घर नहीं आते, वो आपके पैर पकड़ लेंगे। अपने आए हम सब कुछ, अपने अपने सब कुछ इधर की। तो दोस्तों इन नेताओं से बचना है आप लोगों को, तो उन पर एक थोड़ा सा पंच है, यही बोलता रहता हूं कि ये नेता 5 साल बनाते हैं हमें उल्लू, ये नेता कि 5 साल बनाते हैं हमें उल्लू, जब इस बार वोट मांगने आए तो इनको पकड़ा देना बाबा जी का ठुल्लू। आप लोग इसी प्रकार प्यार बनाते रहिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में इसी प्रकार मिलेंगे और से मजेदार कॉमेडी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे भी धमाकेदार प्रस्तुति होती रहेगी। आप लोगों का साथ उत्तम गेट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।